प्यारे दोस्तों, आज हम एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले इसमें ना जो होता है, पहले तो ईमानदारी, पहले बंदे को ईमानदार होना चाहिए, फिर सच्चाई होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फिर जो उसके अंदर जो उसके साथ मैन पावर काम करते हैं, उनको समय समय से मतलब कि कंसल्टेशन करनी चाहिए उससे, और उसको उसकी समय से उसको सहूलत देनी चाहिए, उसकी मांगें पूरी करनी चाहिए, समझे नहीं। और जो उनका वित्तीय लेन देन है वो भी समय से देना चाहिए, यानी ऐसे नहीं भी महीने बाद को सैलरी का टाइम आया तो सैलरी एक महीने बाद मिलेगी तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा। इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए उसको वित्तीय सहायता देनी चाहिए। हाँ, यदि उसकी किसी लड़के की लड़की की शादी है तो उसको बकायदा मतलब कि बगैर इंटरेस्ट के लोन भी देना चाहिए। और जब गेहूँ का सीजन आता है, चावल का सीजन आता है, तो उसको मतलब के वो मतलब के उसको कैश देना चाहिए या सामान लेकर देना चाहिए, तब के अपना घर का गुजर अच्छी कर सके। तो ये प्रबंधन के है, प्रबंधन वो बंदा अपने अच्छी तरह से काम करेगा, ईमानदार से करेगा, कहीं और नहीं भटकेगा, इसलिए उसका रोजगार बना रहेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, आप इधर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुना। अगर आपने इनसे कोई भी डाउट को क्लियर करना है तो ईमेल है नीचे दिया है, वहाँ पे आप बात कर सकते हो। थैंक यू।